अल्पाका भेड़ जैसा ऊंट की नस्ल का प्राणी। अल्पाका दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर ऊंचाई वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इस जीव की गणना ऊंट की श्रेणी में की जाती है। इसके बाल घने और लंबे होते हैं, लेकिन इनके कूबड़ नहीं होता है। अल्पाका देखने में भेड़ से मिलता जुलता है। इसका सिर लंबा और गर्दन आकाश की ओर उठी रहती है। अल्पाका के घने बाल इसे ठंड से बचाते हैं। कई देशों के निवासी इसे भेड़ की भांति उनके लिए पालते हैं। इसके बाल चमकदार, लचीले और हल्के होते हैं। गायों और भेड़ों की तरह अल्पाका भी जुगाली करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, हुआकाया और सूरी। सूरी के लंबे और रेशेदार और हुआकाया के छोटे और मुड़े हुए बाल होते हैं। अल्पाका ऊंट परिवार के सबसे छोटे सदस्य होते हैं। दुनिया के 99% अल्पाका अभी भी दक्षिण अमरीका में रहते हैं। इनको बोलविया, चिली और पेरू में भी देखा जा सकता है। अल्पाका मिलनसार, सौम्य और जिज्ञासु होते हैं। यह घास खाता है। यह एक पालतू जानवर है और इन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। अल्पाका झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये भेड़ बकरियों के साथ भी रह सकते हैं। इसके बालों से स्वेटर, कोट, मोज सहित अन्य कपड़े बनाए जाते हैं। इन्हें जब कोई खतरा होता है तो अल्पाका चिल्लाते हैं। मादा अल्पाका साल में एक बार प्रजनन करती है और एक बच्चे को जन्म देती है। एक शिशु अल्पाका को क्रिय कहा जाता है। इनका जीवकाल लगभग 20 साल का होता है। वास्तव में ये ऊंट की नस्ल के होते हैं, इसलिए कुछ कुछ ऊंट जैसा भी दिखता है। अल्पाका 22 रंगों में पाए जाते हैं, गहरे नीले, काले, सफेद सहित अन्य रंगों में।